अरे बेटा तू, अच्छा मम्मी को बुला दे जरा। हैं? दरवाजे बंद कर दिए इस लड़की ने? ये कैसी बदतमीजी है? एक काम करती हूँ, नेहा को फोन करती हूँ। हेलो नेहा। मैं ना सुषमा के घर आई थी, पर यार इतनी अजीब बात हुई। उसकी बेटी ने दरवाजा खोला और मैंने उससे पूछा तेरी मम्मी कहाँ है, तो उसने मेरे मुंह पे गेट बंद कर दिया यार। अरे तुझे पता नहीं है क्या, उसकी मम्मी की डेथ हो गई है। क्या? वो एक महीने गांव के रह के तेरे पीछे से इतना सब हो गया। उसकी माँ की डेथ के बाद वो पागल सी हो गई है। तूने उसकी माँ का नाम ले लिया, इसलिए उसको बुरा लग गया होगा। कितनी बड़ी गलती कर दी है यार, मैं उससे अभी जाके माफी मांग लेती हूँ। मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई है। बेटा वो मैं ना तेरी मम्मी की दोस्त हूँ, तुझसे ना कुछ बात करनी थी 2 मिनट। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? जी आइए। हाँ जी आंटी। बेटा मुझे ना माफ़ कर दो, मुझे ना पता नहीं था आपकी मम्मी के बारे में, क्योंकि मैं ना 1 महीने के लिए गांव गई हुई थी, इसलिए बेटा मैंने आपको बहुत बुरा भला कह दिया, मुझे माफ़ कर दो। मुझे भी माफ़ कर दीजिए आंटी, मैंने दरवाजे पे आपके साथ अच्छा बिहेव नहीं किया, वो आपने अचानक से मम्मी का नाम ले लिया था। अरे नहीं नहीं बेटा, कोई बात नहीं। अच्छा ये बताओ बेटा, तुम्हारे साथ परिवार में कौन रह रहा है अभी? पापा ने तो पहले ही साथ छोड़ दिया था हमारा, एक छोटी बहन है बस, और परिवार में भी किसी ने साथ नहीं दिया, सबने साथ छोड़ दिया। इस घर में बस मैं और मेरी छोटी बहन है। तो बेटा तुमने कोई नौकरी ढूंढी कि नहीं? बहुत जगह नौकरी देखी है, सबसे बात कर ली है, बहुत हाथ पैर मार लिया है, लेकिन कहीं नौकरी नहीं मिल रही है। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं अपनी छोटी बहन को कैसे पालूं, उसकी पढ़ाई लिखाई कैसे करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। बेटा कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ तुम किस दौर से गुजर रही हो, और नौकरी की टेंशन ना तू मत ले। मैं किसी को जानती हूँ, उनकी बहुत बड़ी कंपनी है, मैं उनसे बात करूँगी, वो ज़रूर तुझे अपनी कंपनी में रख लेंगे। अगर आपने मेरी नौकरी की बात कर ली तो मेरी बहुत मदद हो जाएगी। लेकिन आंटी हमारे खुद के परिवार वालों ने मेरा साथ छोड़ दिया, कोई हमारे साथ नहीं है, तो आप हमारी मदद क्यों कर रही हैं? बेटा एक वक्त था जब मेरे पति ने मेरा साथ छोड़ दिया था और उसने दूसरी शादी कर ली थी, उस वक्त मेरे खुद के परिवार ने मुझे छोड़ दिया था, और उस वक्त सिर्फ तेरी माँ ने मेरा साथ दिया और मुझे सहारा दिया, और आज जब उसकी बेटी पे बात आई है तो ये मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं उसकी मदद करूँ। और बेटा किसी भी चीज़ की अगर ज़रूरत हुई तो मुझे ज़रूर फ़ोन कर देना। थैंक यू आंटी। ठीक है मैं चलती हूँ अब। नमस्ते।